हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रोजाना खाना में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी चिकन करी। पंजाब का मशहूर चिकन करी आज हम घर पे बनाएंगे और झटपट बनाएंगे। और ये चिकन करी आप बहुत बार खाए होंगे, जैसे कि पंजाब में खाए होंगे, ढाबा में खाए होंगे। और बहुत फेमस है पंजाब का चिकन करी। और ये पंजाब का चिकन करी हम आज बहुत आसान तरीके से घर के सामानों से बनाएंगे और आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और ये लजीज सा चिकन करी बनाने का फरमाइश करने वाले हमारे बहुत से फैमिली मेंबर हैं, जैसे कि संजू आर्या जी हैं, उन्हें भी बहुत पसंद है पंजाब का चिकन करी। तो आज उनके फरमाइश पे हम लेके आए हैं। वीडियो पसंद आए आप सभी को तो जरूर लाइक करें, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इस रेसिपी को पसंद आने पे जरूर ट्राई करें। तो आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, जब भी जाके आपको पता लगेगा कि कैसा बना है। तो आइए हम झटपट तैयार करते हैं पंजाबी चिकन करी। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेज और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो ये देखिए, 1 kg ये चिकन है। चिकन को हम अच्छे से लेके धो लिए हैं। 1 kg चिकन के हिसाब से हम आपको मसाला बताएंगे, आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच से भी कम हम नमक डालेंगे चिकन में ही। और ये 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। नींबू हाफ डालेंगे हम इसमें, इसको निचोड़ कर डाल लेंगे। इसे हम मेरीनेट कर रहे हैं चिकन को। तो देखिए, नींबू को निचोड़ लिए हम। और यहीं पे हम 1 चम्मच तीखा वाला मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1 छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और ये चिल्ली पेस्ट है, इस हरा मिर्च को हम पीस लिए हैं, चिल्ली पेस्ट बना लिए हैं। और इन सभी को डाल के हमें अच्छा से मिक्स कर लेना है, हाथों से मिक्स करें, अच्छा से मिक्स हो जाएगा। तो ये जो सब सामान हम डाले हैं मसाले, मेरिनेट में बहुत ही बढ़िया बनेगा पंजाबी चिकन करी। तो देखिए, मेरिनेट करके हमें रख देना है ढक के आधा घंटा के लिए, या टाइम हो तो आप 1 घंटा रख सकते हैं। आधा घंटा के बाद हमें कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल आप सरसों का लें, देखिए 50 ग्राम के करीब तेल है। हम जीरा लिए हैं तड़के के लिए और 4 लौंग लिए हैं और 3 बड़ा वाला इलायची है, देख सकते हैं। इसका मुंह खोल लेंगे हम, इस तरह से मुंह खोल लें आप। और 2 छोटा वाला इलायची है और ये दालचीनी का टुकड़ा 3-4 है छोटा छोटा, देख सकते हैं आप। ये जावित्री का फूल है छोटा सा और 2 तेज पत्ता और लाल मिर्च। अगर आपके पास 1 मसाला या 2 मसाला नहीं भी है, फिर भी आपका पंजाबी चिकन करी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप टेंशन ना लें, अगर 1 मसाला कम भी है तो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो तेल जैसे ही गर्म हो गया था, हम सभी खड़ा मसाला को डाल के अच्छा से हम भून लेंगे खुशबू आने तक। तो देखिए कितना अच्छा भून रहा हमारा मसाला। खड़ा मसाला को भूनना बहुत ही जरूरी है पंजाबी चिकन करी में, जब जाके एक अच्छा सा टेस्ट आता है। प्याज हम रफली काटे हैं, देख सकते हैं। प्याज हम 250 ग्राम लिए हैं 1 kg चिकन के लिए। थोड़ा सा कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं प्याज का मात्रा। अच्छा से हमें भून लेना है प्याज को। इसके लिए हम 1 चिटकी नमक डालेंगे कि जो हमारा प्याज है जल्दी ब्राउन हो जाए। ढक्कन से ढक देंगे कि 2 मिनट में ही हमारा प्याज गुलाबी होना रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, प्याज हमारा बहुत जल्द गुलाबी होने लगा नमक डालने के वजह से और ढक्कन से ढकने के वजह से। तो आप भी इसी तरह तरीके से किसी भी सब्जी में अगर प्याज भूनते हैं तो आप भूने। प्याज हमारा गुलाबी हो ही रहा तो यहीं पे हम डालेंगे 2 चम्मच खाने वाला चमचे से ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। पेस्ट को डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे कि कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन का। और ये देखिए,
लंबे स्लाइस में अदरक कटा हुआ है, इसे हम छील के काट लिए लंबा लंबा, ऊपर से हम डालें, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पंजाबी चिकन करी में। जो चिकन हम मैरिनेट करके रखे थे 1 घंटा पहले, सभी चिकन को हम कढ़ाई में प्याज के साथ ऐड कर लेंगे और अच्छे से हम प्याज के साथ भूनेंगे। चिकन को 5 मिनट भूनेंगे चलाते हुए, ये देखिए इस तरह से। इस पंजाबी चिकन करी में चिकन को जितना अच्छा आप भूनिएगा उतना ही अच्छा टेस्ट आपका आएगा पंजाबी चिकन करी का। तो ढक्कन से ढक दें और देखिए ऐसा हो जाएगा पिंक पिंक आपका चिकन, और इसे चलाते हुए भूने, चारों तरफ से अच्छा से चलाते हुए भून लें। तो देखिए कितना अच्छा पक रहा हमारा चिकन, इसमें फ्लेम हमारा मीडियम है। यहाँ पे हम टमाटर ऐड कर देंगे 5 मिनट भूनने के बाद चिकन को, और टमाटर को भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। देखिए इस तरह से चलाते हुए चिकन को बढ़िया से भून लेंगे टमाटर के साथ। टमाटर डाले हैं, उसके बाद हम डाल रहे हैं ये 2 चम्मच खाने वाला चम्मच से धनिया पाउडर है, और ये देगी मिर्च है 2 चम्मच, यहीं पे हम तीखा वाला मिर्च डालेंगे, जितना आप तीखा पसंद करते हो उतना डालें। मैं यहाँ पे 2 छोटा चम्मच डाली हूं, और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डालें, ध्यान में रखते हुए कि आप मैरिनेट करते हुए चिकन में भी नमक डाले हैं। नमक आप किसी भी चीज में कमी डालें, ज्यादा ना डालें। मसाला को अच्छा से मिक्स करते हुए हमें इतना अच्छा से चिकन को भूनना है दोस्तों, जितना अच्छा से आप भूनिएगा चिकन को उतना ही मस्त बनेगा ये पंजाबी चिकन करी। तो ध्यान में रखिएगा, और फ्लेम को यहाँ पे हमें करना है लो या मीडियम, थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिए, और इसका भुनाई हमें 7 से 8 मिनट या 10 मिनट भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। ढक्कन से ढक ढक के मीडियम फ्लेम पे इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से भून लें कि मसाला चिकन के अंदर बिल्कुल भीग जाए और वो भीनी भूनी खुशबू आने लगे जब तक इसे आप भूने। तो देख सकते हैं मैं इसे चलाते हुए भून रही हूँ, और ध्यान रखें चिकन की भुनाई करते वक्त आप इसे चलाते हुए भूने और चेक करते रहें, नहीं तो आपका मसाला कहीं से जल भी सकता है। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों चिकन करी को बनाइएगा और आपका चिकन करी बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगा। तो देखिए यहाँ पर हम 10 मिनट तक भूने हैं, और ये जो चिकन है और मसाला है ऊपर से तेल तैर रहा है, देख सकते हैं। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो 2-3 हरा मिर्च साबुत डाल लें, 1 कप आप इसमें पानी डाल लें, जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 कप पानी डालूंगी। और आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है भून के रेडी है। तो यहीं पर हम 1 कप पानी डाल लिए, ढक्कन से ढक दे रहे हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए पका लिए हैं, देख सकते हैं आप, और हमारा चिकन करी यहाँ पे बन के तैयार है। हम यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से, ये देखिए, और लीजिए हमारा यहाँ पे पंजाबी चिकन करी बन के दोस्तों तैयार है। तो बस मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि इसका कैसा ग्रेवी बना है और कैसा इसका कलर है। तो देख सकते हैं कितना लजीज लग रहा है दोस्तों देखने में, और बहुत ही टेस्टी बना है। और ये चिकन करी आप बार बार खाना पसंद करेंगे। तो देख सकते हैं, तो मैं एक प्लेट लेती हूँ आपको, पहले हम सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ग्रेवी बना है, बिल्कुल ठीक सा ग्रेवी है और लजीज हमारा चिकन करी। ये घर में बन के बिल्कुल पंजाब स्टाइल में तैयार है। अगर आपको ये हमारा रेसिपी अच्छा लगता है तो आप जरूर ट्राई करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे बताना ना भूलें कि आप ये पंजाबी चिकन करी कब बनाना पसंद करेंगे दोस्तों।
तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये हमारा पंजाबी चिकन करी बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आ रहा तो जरूर लाइक करें, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए आप खाते रहें, मुस्कुराते रहें, रोजाना खाना से जुड़े रहें। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।